क्वांट फंड्स है, तो क्वांट फंड यूज व्हाट? एल्गोरिथमिक या एल्गोरिथम, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, बराबर है। एल्गोरिथम मींस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशंस। अब इसके लिए आपका पूरा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर में सब फॉर्मूले, सब सॉफ्टवेयर है तो नॉर्मल सी बात है, कुछ बेसिस ऑफ फॉर्मूला रहेगा, उसी के बेसिस पे पूरा बाय एंड सेल डिसीजंस होगा, पूरा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, बराबर है। इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, बराबर है, उसको भी ये रिप्लिकेट करता है, उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन के बेसिस पे जो भी फॉर्मूला बना है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, कैलकुलेट करेगा एंड अकॉर्डिंगली बाय एंड सेल डिसीजन होगा, दैट्स इट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे वो अपना जो भी एल्गोरिथम कैलकुलेशंस है वो करके बाय एंड सेल डिसीजन लेता है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट क्वांट फंड्स। देन अभी क्वांट फंड्स के बाद क्या है बेटा, पी रेशियो फंड्स। व्हाट पीई रेशियो फंड्स? प्राइस अर्निंग रेशियो फंड्स। अब देखो क्या पी रेशियो फंड्स में, इट इज द एवरेज, पी रेशियो फंड क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ प्राइस अर्निंग ऑफ ऑल द स्टॉक्स, एवरेज ऑफ व्हाट, प्राइस अर्निंग ऑफ ऑल द स्टॉक्स। तो सारे स्टॉक्स देखोगे आप, जो भी स्टॉक्स है उसमें क्या अर्निंग्स हो रहा है, प्राइस अर्निंग कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, एवरेज लो, उसके बेसिस पे क्या करना है, पोर्टफोलियो बनाना है, उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड क्या करता है, पोर्टफोलियो बनाता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो फंड्स भी है कि किसका कैसा प्राइस अर्निंग है, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन जो भी है वो लेता है, बराबर है। और हाई प्राइस अर्निंग रेशियो इंडिकेट क्या करेगा, स्टॉक्स आर कोटिंग एट प्रीमियम। अगर हाई पी रेशियो है तो याद रखना स्टॉक प्रीमियम पे चल रहा है, स्टॉक क्या है बेटा, आर कोटिंग एट प्रीमियम, दैट्स इट, ठीक है, ये याद रखना। फिर क्या बोलता है बेटा अपने को, इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स, क्या इंटरनेशनल इक्विटी फंड। अब इंटरनेशनल इक्विटीज फंड में क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो इंटरनेशनल इक्विटी फंड में क्या बोल रहा है आपको, इट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज विच आर आउटसाइड इंडिया। अरे भाई इंटरनेशनल इक्विटी फंड तो नाम से ही मालूम पड़ता है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि इंटरनेशनल इक्विटी फंड है, मतलब क्या, इट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज विच आर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है भाई, मालूम पड़ा कि नहीं, इंटरनेशनल मतलब जो भी फॉरेन कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, या जो कंपनीज इंडिया के बाहर है सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, व्हाटएवर, ठीक है। सो इट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज विच आर आउटसाइड इंडिया एंड आर वेल एस्टैब्लिश्ड। ऐसा ही नहीं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं, बराबर है, जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, बराबर है, जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, रेप्यूटेड है, ऐसी कंपनीज में क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो एक कैटेगरी क्या है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड। तो इंटरनेशनल इक्विटी फंड मालूम पड़ गया ना, समझ गया ना, इंटरनेशनल इक्विटी फंड मतलब जो भी कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज हो गई, बराबर है, मालूम पड़ा। इंटरनेशनल इक्विटी फंड में क्या होता है, इट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ व्हाट, कंपनीज विच आर आउटसाइड इंडिया एंड आर वेल एस्टैब्लिश्ड। ऐसा नहीं कि फॉरेन कंपनी है, ठीक है, खाली अभी जस्ट चालू हुआ, ऐसा नहीं, वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, रेप्यूटेड कंपनीज है, करेक्ट है, तो उसके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं, राइट। हाँ, लेकिन ये फंड में क्या होता है, दीज फंड में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड है तो नॉर्मल सी बात है फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क तो आएगा ही, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का रिस्क होता ही है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, राइट। सो इंटरनेशनल इक्विटी फंड याद रखना बेटा, इट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ व्हाट, कंपनीज विच आर आउटसाइड इंडिया, आ गया मतलब इंटरनेशनल इक्विटी, आउटसाइड इंडिया वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, जो कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड है और कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं दीज फंड फेस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये फंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट, बराबर बेटा, ठीक है। तो याद रखना ये, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है बट याद रखना है आपको, ठीक है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड, प्राइस अर्निंग रेशियो फंड, तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड हो गए, जिसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड क्या, म्यूचुअल फंड डिसाइड करेगा कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा पोर्टफोलियो बनाना है, एवरीथिंग, ठीक है, वो उसका डिसीजन है, एनालिसिस करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए, क्या क्या, डाइवर्सिफाइड फंड, सेक्टोरल फंड, इंडेक्स फंड, टैक्स सेविंग फंड,
लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, आर्बिट्रेज फंड, मल्टी कैप फंड्स, क्वांट फंड्स, पी रेशियो फंड्स दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो फंड्स और इंटरनेशनल इक्विटी फंड, बराबर है। सो ये सारे आपके क्या हो गए बेटा, टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड, जिसका हमने बराबर है यहाँ सारा पॉइंट देख लिया कि डाइवर्सिफाइड फंड्स क्या है, सेक्टोरल क्या है, देख लो डाइवर्सिफाइड सेक्टोरल, इंडेक्स फंड क्या है, टैक्स सेविंग फंड क्या है, लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री इज व्हाट मल्टी कैप, देन आर्बिट्राज, देन मल्टी कैप फंड्स का तो अलग से देख लिया हमने, क्वांट फंड्स, पी रेशियो फंड्स एंड इंटरनेशनल इक्विटी फंड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ऑल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए थे, ठीक है, ऑल 10 पॉइंट्स, ठीक है। चलो नाउ, तो सबसे पहली बात, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, लाइफ में आपको यही सुनाई देगा ETF, फुल फॉर्म बहुत कम सुनाई देगा, ETF ज्यादा सुनाई देगा। तो ETF है क्या, व्हाट इज ETF? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज व्हाट, इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, व्हाट इज इट? Exchange traded fund is what beta? It's a marketable security that tracks an idea such as Nifty Sensex. ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? जो मतलब सीधा सा सवाल है, देखो इंडेक्स फंड कैसा होता है, इंडेक्स फंड पूरा इंडेक्स को ट्रैक करता है, सेंसेक्स निफ्टी ऑल दैट, ठीक है। तो सेम वही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी वैसा ही है, ये भी पूरा क्या करेगा, इंडेक्स को ट्रैक करेगा, इंडेक्स के बेसिस पे पूरा परफॉर्मेंस होगा, उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किधर इन्वेस्ट करना है, किसमें इन्वेस्ट करना है, एवरीथिंग। मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें जो भी है, जैसे नॉर्मली BSE सेंसेक्स निफ्टी, बराबर है। तो ये जैसा ट्रैक कर रही है, जैसा परफॉर्म कर रहा है, उसी के बेसिस पे क्या होगा, हमारा प्रपोर्शन डिसाइड होगा, दैट्स उसी के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, इंडेक्स परफॉर्मेंस कैसा है, उसी के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है, दैट इज व्हाट एक्सचेंज ट्रेडेड, नाम से मालूम पड़ता है, एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज के बेसिस पे जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे, दैट इज व्हाई ETF इज अ व्हाट, इट्स अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, व्हाट इज इट, इट्स अ मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन आइडिया ऑफ व्हाट, that tracks an idea such as Nifty, Sensex, ये सब, बराबर है। तो ये marketable security है, और ETF हमेशा याद रखेगा, ETF invest fund, ETF क्या करेगा, वो invest करेगा fund को in proportion to the index performance, index का performance कैसा है, Sensex का performance कैसा है, Nifty का performance कैसा है, जो भी index है उनका performance कैसा है, accordingly ETF exchange traded fund में invest होता है, that's it। ETF इन्वेस्ट करेगा फंड, मतलब जो ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो इंडेक्स परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्ट करता, दैट्स इट, बराबर है। तो आप बोल सकते हो ना इसको, ये रिप्लिकेट करता है इंडेक्स को, क्या करता है, ये रिप्लिकेट करता है, कॉपी करता है कि हाँ भाई, ओ वाओ सेंसेक्स बढ़ रहा है, चलो फटाफट इन्वेस्ट कर दिया, या जो भी डिसीजन लिया उन्होंने, इन्वेस्ट कर दिया, निकाल लिया, व्हाटएवर, वो तो उनका ओन डिसीजन है रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे, राइट है। तो ETF इन्वेस्ट फंड इन प्रपोर्शन टू दी इंडेक्स परफॉर्मेंस, इंडेक्स डाउन हो गया, भाव सस्ता हो गया, तो सस्ते में क्या किया, खरीद लिया, बराबर है, क्योंकि बाद में तो मार्केट उठना ही है, बाद में मार्केट का रिकवरी होना ही है, तो वो सब उनका रिसर्च एंड एनालिसिस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके बेसिस पे दे विल गोइंग टू डिसाइड, ठीक है, जो फंड मैनेजर है। तो याद रखना, ETF इन्वेस्ट फंड इन प्रपोर्शन टू व्हाट, इंडेक्स परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, कैसे है बाबा इंडेक्स परफॉर्मेंस, इसीलिए बोलते हैं इट्स अ रिप्लिकेशन ऑफ इंडेक्स, या रिप्लिकेशन ऑफ इंडेक्स मींस निफ्टी सेंसेक्स व्हाटएवर, ठीक है। सो आफ्टर फॉलोइंग निफ्टी या सेंसेक्स जो भी है, इट विल बिकम, अभी समझो कि अगर वो निफ्टी फॉलो कर रहा है, निफ्टी को फॉलो कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, निफ्टी ETF, अगर वो निफ्टी फॉलो कर रहा है, तो इट विल बिकम निफ्टी ETF, निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सिंपल रे बाबा, सिंपल। तो समझा बेटा, इट्स अ रिप्लिकेशन ऑफ व्हाट, इंडेक्स, इट्स अ रिप्लिकेशन ऑफ इंडेक्स, और कुछ नहीं है, समझा कि नहीं? तो याद रखो, क्लियर,
Okay, so replication of Nifty, and after following Nifty, it will become what? Nifty ETF. That's it. और ETF में सबसे बड़ी बात क्या है? Flexibility मिलता है आपको. देखो, ETF give flexibility to buy and sell units throughout the day on the stock exchange. जब आपको buy करना है buy कर लो, sell करना है sell कर लो. क्या? Units. भाई म्यूचुअल फंड में आए हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू हो तो यूनिट्स ही आएगा ना, बराबर है. और इधर क्या? शेयर प्राइस नहीं, इधर एनएवी चलता है. म्यूचुअल फंड में क्या चलता है? एनएवी, नेट असेट वैल्यू, जो कि एनएवी का आप प्रैक्टिकल भी करोगे आगे आने वाले दिनों में, राइट? इन कमिंग डेज यू विल गोइंग टू सॉल्व एनएवी प्रॉब्लम्स, राइट? है विद उसका कॉन्सेप्ट्स के साथ, नॉर्मल सी बात है, ठीक है. सो ईटीएफ गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू बाय एंड सेल यूनिट्स throughout the day on the stock exchange. ये बच्चा लोग याद रखना है आपको. फिर क्या बोलते हैं आपको, ध्यान देना. तो ETF मालूम पड़ गया ना, ETF में क्या है आपको? फ्लेक्सीबिलिटी है बेटा. बट ध्यान से देखना, ETF में क्या है आपको, याद रखो, फ्लेक्सीबिलिटी इज देयर. व्हाट इज देयर? फ्लेक्सीबिलिटी है, ठीक है. आप बाय एंड सेल कर सकते हो थ्रू आउट द डे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बराबर है, क्लियर है. फिर क्या बोलता है, जो भी डिविडेंड रिसीव्ड होगा, बराबर है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन ईटीएफ आर टिपिकली री इन्वेस्टेड इन द फंड. अब जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डिविडेंड रिसीव करता है ना, डिविडेंड रिसीव करता है, वो टिपिकली क्या होता है, री इन्वेस्ट कर देता है, वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो री इन्वेस्टमेंट कर देता है फंड में. दैट्स इट. ये सब कुछ जनरल पॉइंट है जो याद रखने का, ठीक है. डिविडेंड रिसीव बाय एन ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर टिपिकली री इन्वेस्टेड, टिपिकली व्हाट बेटा, री इन्वेस्टेड इन द फंड. और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपने देख लिया, ये पूरा रिप्लीकेट करता है निफ्टी सेंसेक्स को. इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पे फंड इन्वेस्ट होता है. ईटीएफ इन्वेस्ट फंड इन प्रपोर्शन टू द इंडेक्स परफॉर्मेंस, इसलिए बोलते ना इट्स अ रिप्लीकेशन ऑफ निफ्टी या सेंसेक्स, जो भी इंडेक्स है, ठीक है. तो याद रखो. और हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए एक पॉइंट याद रखना कि ये जो ETF है वो इमर्ज कभी हुआ था. ETFs first came into existence in the USA. ये सबसे पहला existence में कभी आया? 1993 year याद रखना, 1993 USA में सबसे पहला existence में आया. ETF first came into existence in the USA in 1993. याद रहेगा पक्का. So ETFs first came into existence in the USA in 1993. Yaad rakho, theek hai. The most popular ETF, ab ye naam yaad rakho khali. The most popular ETFs are triple Qs, that is cubes, based on Nasdaq. Nasdaq sabko pata hai na? Nasdaq 100, barabar index, SPDR, ye sab normally, ye sab aapko, ye jo index hai, wo sab bahar wale index hai. बराबर है, इंटरनेशनल, ठीक है. SPDR, स्पाइडर्स बेस्ड ऑन S&P 500 इंडेक्स, ठीक है. एंड S&P BSE भारत, बराबर, S&P BSE, देखो, एंड S&P BSE भारत 22 इंडेक्स. फिर एंड S&P BSE भारत 22 इंडेक्स, ये जो है ना बेटा, S&P BSE भारत 22 इंडेक्स, इसका डेट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है. लॉन्च्ड इन अगस्त 17. जो S&P BSE भारत 22 इंडेक्स है वो कभी लॉन्च हुआ था? अगस्त 17 में, इंक्लूडिंग 19 गवर्नमेंट कंपनी. कितना उसमें? 19 गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड था, प्लस 3 प्राइवेट कंपनी. तो ये तो सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए याद रखो कि ऐसा हुआ था, बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं, कि आपको मालूम रहे कि हाँ, ये सब मोस्ट पॉपुलर ETFs है बेस्ड ऑन NASDAQ 100, SPDR दैट इज स्पाइडर, बेस्ड ऑन S&P 500. सुना होगा ना, इंटरनेशनल अगर आप देखोगे टीवी पे, देखो तो उसमें देखो NASDAQ, S&P, ये सब दिखता है कि नहीं आपको? अभी तो नॉर्मल सी बात है, CNBC पे ज्यादा करके आपको यही देखते हो ध्यान से, क्या निफ्टी और सेंसेक्स, कभी ये भी देखा करो NASDAQ, S&P, बराबर है कि नहीं? उसका भी देख लिया करो परफॉर्मेंस, ठीक है. तो ये सब क्या बेटा, आपके मोस्ट पॉपुलर, यस, क्या बात है, वेरी गुड, सही दो, वो भी है, बहुत सारे है, वैसे काफी सारे है. So that is what most popular ETFs.
ठीक है, तो ये खाली नाम याद रखने का। और जो भारत 22 इंडेक्स है, बीएसई भारत 22 इंडेक्स, वो याद रखना, वो लॉन्च कभी हुआ था, अगस्त 17 में जब लॉन्च हुआ था तो उसमें 19 गवर्नमेंट कंपनी प्लस थ्री प्राइवेट कंपनी था, ठीक है। बस तो मेन पर्पस अपना ये याद रखना है कि मोस्ट पॉपुलर ETF, खाली दिखा देना एग्जांपल में, मोस्ट पॉपुलर ETF में जैसे ट्रिपल क्यूज क्यूब्स हो गया बेस्ड ऑन NASDAQ 100, SPDR दैट इज स्पाइडर्स बेस्ड ऑन S&P 500 इंडेक्स, बराबर है, ये याद रखना। फिर देखो क्या बोल रहे अपने को, द फर्स्ट ETF इन इंडिया। देखो पॉपुलैरिटी सब बाहर से आई, अभी ETF सबसे पहला किधर आया, इंडिया में थोड़ी आया, USA में आया था ना इन 1993। फिर ऐसे करते 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 अपने इंडिया में भी आ गया। अब इंडिया में जो फर्स्ट ETF है, याद रखो द फर्स्ट ETF इन इंडिया कौन सा था, अपना निफ्टी बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, फर्स्ट ETF इन इंडिया। व्हाट, देखो द फर्स्ट ETF इन इंडिया इज व्हाट, निफ्टी BEES, देखो BEES, तो ये BEES मतलब क्या है, बराबर है, शॉर्ट फॉर्म में दिया ना, तो फर्स्ट ETF इन इंडिया दैट इज निफ्टी BEES, मतलब निफ्टी बेंचमार्क, क्या बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है, बराबर है, क्या है बेटा, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है, इज फर्स्ट ETF इन इंडिया, ये नाम दिया है निफ्टी BEES, ठीक है। अब ये बेस्ड ऑन व्हाट, किसके ऊपर बेस्ड है, ये निफ्टी 50, कौन सा इंडेक्स, निफ्टी 50, बराबर है, वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2002, ये लॉन्च कभी हुआ था, डेट याद रखो जनवरी 2002 बाय बेंचमार्क म्यूचुअल फंड, लॉन्च्ड इन जनवरी 2002 बाय बेंचमार्क म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो फर्स्ट ETF इन इंडिया याद रखना निफ्टी BEES, इट इज निफ्टी बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेस्ड ऑन निफ्टी 50, बेस्ड ऑन व्हाट, निफ्टी 50, निफ्टी 50 का जैसा इंडेक्स परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे ETF क्या करेगा, ETF इन्वेस्ट करेगा फंड इन प्रोपोर्शन टू द इंडेक्स परफॉर्मेंस, दैट्स इट, कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है यार उसके बेसिस पे, समझा। तो ये फर्स्ट लॉन्च हुआ इंडिया में, देखा कभी, जनवरी 2002 में, और बाय बेंचमार्क म्यूचुअल फंड। अरे कोई म्यूचुअल फंड तो चाहिए ना लॉन्च करने के लिए यार, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा सब, तो बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ने क्या किया, वाज लॉन्च इन जनवरी 2002 बाय बेंचमार्क म्यूचुअल फंड। बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ने बोला भाई आओ आओ, हम ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डील करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, हम निफ्टी 50 को रिप्लीकेट करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बेसिस पे आपका फंड इन्वेस्ट होगा, नो नीड टू वरी, समझा। तो निफ्टी का अगर ग्रोथ देखोगे, ग्रोथ आप आज के 10 साल पहले और आज कंपेयर कर लो कितना ग्रोथ हुआ, चार्ट देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा, ओ माय गॉश वाओ, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आपने रखा होगा तो इतना बेनिफिट, शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट है, लेकिन उसमें आपको बहुत कीन ऑब्जर्वेशंस, आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, ट्रैक रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट का फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट एनालिसिस सब कुछ करना पड़ेगा। यस परफेक्ट, 375% का ग्रोथ हुआ है 2010 से 2020, वेरी गुड, वेल डन साइम, 375% का ग्रोथ निफ्टी में, अगर आप देखोगे नियर अबाउट 2010 टू 2020, ये 10 साल में सोचो, तो समझ लो आपने, अगर आपने 10 साल पहले 10 लाख भी इन्वेस्ट किया रहता तो आज कितना हो जाता, 375% निकाल लेना उसका, 375% ग्रोथ हुआ, तो आपका 10 साल 10 लाख पहले आज कितना होता था, अच्छा ठीक है। तो बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आपको याद रखना है बेटा, क्लियर, दिस इज व्हाट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो हमेशा याद रखना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्ट फंड इन पोर्ट, मतलब इन प्रोपोर्शन टू द इंडेक्स परफॉर्मेंस, क्या बेटा, इन प्रोपोर्शन टू द व्हाट बेटा, इंडेक्स परफॉर्मेंस। अब देखो ये सब आपने पढ़ा तो फटाफट फीचर्स देख लो ना, अभी ये जो ने स्टडी किया ना, तो फीचर्स में तो कुछ है ही नहीं, फीचर्स तो इट्स वेरी सिंपल, ये तो फटाफट कर लोगे। तो फीचर्स, पहला फीचर्स तो यार पैसिव मैनेजमेंट, यार ये तो बिना बताए आपको मालूम पड़ जाना चाहिए पैसिव मैनेजमेंट। अब इसमें क्या कोई एक्टिवली इन्वॉल्व होता है क्या, फंड मैनेजर पूरा रिसर्च करेगा, नहीं, अरे फंड कैसा, इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, BSE सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे वो एडजस्टमेंट करता है, बस समझा। तो पैसिव मैनेजमेंट है, मालूम पड़ा कि नहीं, समझा,
खाली उसको थोड़ा वो इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे फंड का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बाकी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना, बराबर है कि नहीं? इसलिए इधर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थोड़ा कम होता है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है, दैट्स इट। और एक्सपेंस रेशियो कितना मायने रखता है सबको पता है, एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो अच्छी बात है ना इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ETF typically have higher daily liquidity and lower fees than other mutual funds. अब इसमें क्या बेटा, इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी है आपके पास, आपको जब पैसा चाहिए आप निकाल सकते हो, बराबर है, बड़ा लिक्विडिटी है, आपको पैसे की जरूरत है, देख रहे हो ना, थ्रू आउट द डे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, बराबर है, और आपको इमिडिएटली पैसा निकालने पर ज्यादा फी का भी कॉस्ट नहीं आएगा, बराबर है, लिक्विडिटी है, आपको पैसा मिल सकता है इजिली, ठीक है, आप निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF, अब देखो ETF में इन्वेस्ट करने का कॉस्ट क्या है, नॉर्मली ETF आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ETF क्या होता है, ट्रेडेड होता है ऑन स्टॉक एक्सचेंज थ्रू स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज पे जाओगे तो ब्रोकर के थ्रू ही होगा ना यार, सो इन्वेस्टर्स हैव टू पे ब्रोकरेज फॉर द ट्रांजेक्शंस, तो नॉर्मल जो ब्रोकरेज होता है वो पे करना पड़ता है नॉर्मली, अगर फंड मैनेजर पूरा डील कर रहा है तो उसके बेसिस पे जो भी नॉर्मल सा चार्जेस है वो देना पड़ेगा, दैट्स इट, तो कॉस्ट है। ठीक है, तो पैसिव मैनेजमेंट है, बराबर है, लिक्विडिटी है, और कॉस्ट तो एज यूजुअल एज नॉर्मल होना ही, चार्जेस तो लगेगा भाई, अगर एंट्री करना है आपको तो चार्जेस तो देना पड़ेगा, बराबर, जैसे आप शेयर मार्केट में जाते हो तो ब्रोकरेज बिना ब्रोकर के तो एंटर करोगे नहीं, ठीक है, ब्रोकर तो वो तो भाई कॉमन है, तो वैसे इधर भी सेम चार्ज देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मालूम पड़ा, क्लियर? तो याद रखना, फीचर्स ऑफ ETF में पैसिव मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF, ये पॉइंट याद। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, मनी मेकिंग विद ETF, तो ये एक जनरल पॉइंट है खाली याद रखने के लिए आपको, मनी मेकिंग विद ETF में क्या बोल रहा है, अभी जो ETF का यूनिट्स है वो डायरेक्टली सोल्ड नहीं होता पब्लिक को फॉर कैश में, डायरेक्टली सोल्ड नहीं होता बेटा, ये चीज याद रखो, ETF यूनिट्स आर नॉट डायरेक्टली सोल्ड टू द पब्लिक फॉर कैश, ये क्या होता है, AMC जो होता है, AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी दैट स्पॉन्सर द ETF टेक्स द शेयर्स ऑफ कंपनीज, ये क्या करते हैं, AMC क्या करते हैं, दैट स्पॉन्सर द ETF, स्पॉन्सर करते हैं ETF को, टेक्स द शेयर्स ऑफ कंपनीज कंप्राइजिंग द इंडेक्स, कंप्राइजिंग द इंडेक्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स, लार्ज इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, एंड इश्यूज देम अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट्स, बराबर है, स्पॉन्सर करेंगे, नॉर्मल सी बात है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, इन सबको, ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स को, लार्ज इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड इश्यूज देम अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट्स, उनको ETF यूनिट्स देंगे, तो लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट्स होता क्या है, इसको बोलते हैं क्रिएशन यूनिट्स, जो लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट्स है दैट इज व्हाट, इट्स अ क्रिएशन यूनिट्स इज एक्सचेंज फॉर अ पोर्टफोलियो डिपॉजिट, ये एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग, एक्सचेंज फॉर अ पोर्टफोलियो डिपॉजिट ऑफ स्टॉक एंड कैश कंपोनेंट, बराबर है, तो जो भी लार्ज ब्लॉक ऑफ, याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट कॉल्ड एज व्हाट, क्रिएशन यूनिट इज एक्सचेंज फॉर पोर्टफोलियो डिपॉजिट ऑफ स्टॉक्स एंड कैश कंपोनेंट, उसको एक्सचेंज कर सकते हो आप, व्हाट, फॉर अ पोर्टफोलियो डिपॉजिट ऑफ स्टॉक्स एंड कैश कंपोनेंट, एंड ETF आर कंटिन्यूअसली क्रिएटेड एंड रिडीम, ETF क्या होता है बेटा, ये कंटिन्यूअसली क्रिएटेड एंड रिडीम बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स डिमांड, तो जैसा डिमांड है उसके बेसिस पे वो कंटिन्यूअसली क्रिएट होता है, रिडीम होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, जैसा इन्वेस्टर का डिमांड है उसके बेसिस पे सब कुछ क्रिएटेड एंड रिडम्पशन होता है, दैट्स कंटिन्यूअसली क्रिएटेड एंड रिडम्पशन, तो ये खाली एक नॉर्मल पॉइंट है, जनरल मेन आपका वहां फीचर्स तक देखना, ये तो खाली एक एडिशनल के लिए बताया कि याद रखना ETF डायरेक्टली सोल्ड नहीं करते पब्लिक में फॉर कैश, क्या ETF आर नॉट डायरेक्टली सोल्ड टू द पब्लिक फॉर कैश, जो भी है AMC क्या करेगा, असेट मैनेजमेंट कंपनी दैट स्पॉन्सर द ETF टेक्स द शेयर्स ऑफ कंपनीज, ये क्या करता है, शेयर्स ऑफ कंपनीज लेगा, कंप्राइजिंग द इंडेक्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स, कंप्राइजिंग द इंडेक्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक ऑथराइज पार्टिसिपेंट, लार्ज इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, और उनको इशू करता है व्हाट, लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट्स, उनको इशू करेगा वो लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट्स, और लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट्स हमेशा याद रखना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज क्रिएशन यूनिट, लार्ज ब्लॉक ऑफ ETF यूनिट्स कॉल्ड एज व्हाट, क्रिएशन यूनिट, एंड इज एक्सचेंज फॉर व्हाट, पोर्टफोलियो डिपॉजिट ऑफ स्टॉक्स,
किसके लिए, मतलब इज एक्सचेंज फॉर अ पोर्टफोलियो डिपॉजिट्स ऑफ स्टॉक्स एंड कैश कंपोनेंट। सो ये लार्ज ब्लॉक ऑफ ईटीएफ यूनिट्स, याद रखो क्रिएशन यूनिट बोलते हैं इसको, और ईटीएफ यूनिट्स का जो क्रिएशन होता है, रिडम्पशन होता है, दैट इज ईटीएफ यूनिट्स आर कंटिन्यूअसली क्रिएटेड एंड रिडीम्ड बेस्ड ऑन व्हाट, इन्वेस्टर्स डिमांड। ठीक है, तो ये एक जनरल पॉइंट है खाली याद रखने के लिए, मेन आपको जो मैंने बताया है पीछे वो सब याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अपना फीचर्स, और जो सबसे मेन चीज है ये स्लाइड, ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया आपका। ठीक है, तो इतना सबको अच्छे से रिव्यू करके रखना है, और याद रखना लार्ज ब्लॉक ऑफ ईटीएफ यूनिट्स आर कॉल्ड व्हाट, क्रिएशन यूनिट।